माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 35 ए की वैधता को दी गई चुनौती पर सुनवाई को अगले साल तक के लिए टाल दिया है। बता दें अनुच्छेद 35 ए पर अब अगली सुनवाई 19 जनवरी 2019 को होगी। जानकारी के मुताबिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव होने दीजिए। बता दें रियासत प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई टालने के लिए गुजारिश की गई थी। वहीं 35 ए की सुनवाई टलने के बाद बीजेपी पर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीएम मीर ने कहा कि यह सुनवाई बीजेपी के कहने पर टाली गई है, क्योंकि बीजेपी 2019 के चुनावों में 35 ए का इस्तेमाल कर फायदा लेना चाहती है। लबाराम गांधी ने कहा कि बीजेपी इस पर दोहरी राजनीति कर रही है, लेकिन नए राज्यपाल भी बीजेपी और कश्मीर नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल वाकई ही जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टालने के लिए गुजारिश ना करते। राजौरी में एक बच्चे की जान बाल बाल बच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है कि अचानक एक टेम्पो ट्रैवलर ने बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन बच्चा बच जाता है। इस हादसे में बच्चे के माता पिता की गलती बताई जा रही है, क्योंकि बच्चा सड़क के उस पार खड़े अपने माँ बाप के पास जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस का शिष्टमंडल आज राज्यपाल से मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीएम मीर ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्हें यकीन है कि राज्यपाल महोदय लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, और राज्यपाल ने जिस तरह से कांग्रेस को आश्वस्त किया है उसके लिए कांग्रेस भी उनका पूरा सहयोग करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यालय में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रजनी सेठी समेत कई महिला कार्यकर्ताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि भेंट की। KAS परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्यपाल के आदेश के बाद प्रिलिमिनरी पेपर की तारीख बढ़ा दी गई है। वहीं बीते गुरुवार को इस मामले पर राज्यपाल से KAS के प्री देने वाले छात्रों के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। राज्यपाल के इस फैसले पर प्री देने वाले छात्रों ने राज्यपाल का शुक्रिया अदा किया। रियासत के पूर्व DGP MM खजूरिया ने कश्मीर में मौजूदा हालातों पर सियासी पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि कश्मीर में युद्ध चल रहा है, इस पर सियासी पार्टियां बयानबाजी से बाज आएं। उन्होंने कहा कि आतंकियों द्वारा पुलिस कर्मियों के परिजनों को अगवा करने से पुलिस जवानों का मनोबल नहीं गिरेगा।